जिस ट्रेन हादसे में 280 लोगों की जान चली जाए, जिसे देखकर अच्छे अच्छों के दिल पसीज जाए, आखिर उसे कोई कैसे सांप्रदायिक रंग दे सकता है। रेलवे विभाग की इस बड़ी लापरवाही का जिम्मेवार कोई कैसे किसी खास धर्म के लोगों को ठहरा सकता है, लेकिन है कुछ जिनके आसपास भी नहीं दिखती है शर्म। शायद इंसानियत का तार तार होना इसी को कहते हैं। हम बात कर रहे हैं उड़ीसा के बालासोर में हुए भीषण ट्रेन हादसे की। इस दुर्घटना के कुछ ही घंटों बाद सोशल मीडिया पर इस रेल हादसे को कुछ लोग सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करने लगे। एक खास धर्म के द्वारा किया गया कार्य इसे बताने लगे। लेकिन उड़ीसा पुलिस ने एक चेतावनी वाला बयान कल इस मामले पर जारी किया है। पुलिस ने कहा है ऐसा करने वालों को सख्त सजा दी जाएगी। ये देखने में आया है कि कुछ सोशल मीडिया हैंडल शरारती तरीके से बालासोर में हुए दर्दनाक ट्रेन हादसे को सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उड़ीसा GRP दुर्घटना के कारणों और अन्य सभी पहलुओं की जाँच कर रही है। हम सभी से अपील करते हैं कि वो इस तरह के झूठे और दुर्भावनापूर्ण पोस्ट को प्रसारित करने से बचें। पुलिस ने चेतावनी दी है कि अफवाह फैलाकर सांप्रदायिक हाथ बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी होगी। उड़ीसा पुलिस की चेतावनी ऐसे में सामने आई जब ट्रेन दुर्घटना को कुछ तस्वीरों के जरिए लोग सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे थे। द रैंडम इंडियन नाम के एक ट्विटर यूजर ने ड्रोन द्वारा खींची गई एक फोटो शेयर की। इसमें दुर्घटना वाली जगह के पास एक मस्जिद होने का दावा किया गया। एक तीर जैसे साइन के जरिए एक सफेद इमारत को मस्जिद बताया गया। इस यूजर ने फोटो के कैप्शन में लिखा, बस इतना कहना चाहता हूँ कि कल दुर्घटना वाला दिन शुक्रवार का था। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, दुर्घटना स्थल के पास जिस चीज को मस्जिद बताने का दावा किया जा रहा है, दरअसल वो एक मंदिर है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक ये ट्वीट एक थ्रेड का हिस्सा है जिसमें इस यूजर ने ट्रेन हादसे के लिए मुस्लिमों को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की। एक अन्य यूजर दिलीप कश्यप ने भी सेम कैप्शन के साथ इस तस्वीर में मस्जिद को इंगित करते हुए तस्वीर शेयर की। लेकिन बाद में पता चला कि ट्रेन दुर्घटना वाली जगह के ठीक बगल में एक मस्जिद जो स्थित होने का दावा किया जा रहा है, ये दावा पूरी तरह गलत है। वायरल हो रहे ट्वीट में जिस इमारत को मस्जिद बताया गया, असल में वो इस्कॉन मंदिर है। गोदी पत्रकारिता के जमाने में निष्पक्ष रिपोर्टिंग किसी चुनौती से कम नहीं। हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।